और नौकरी का आपको मिली है, गिनती कर लो कितनी नौकरी मिल गई है, और आपको जो नौकरी है वो भी गिन ली सरकार ने कि इतने लोग रोजगार नौकरी पाए हुए हैं, आप भी गिन गए इसमें। नहीं, वो आप गिन गए तो मनरेगा वाले तो बहुत नीचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है कल, आपने बोला है कि प्रमोशन में आरक्षण देंगे आप जब सत्ता में आएंगे, तो वो लोग मिले थे, वो अब चर्चा कर रहे थे, वो हमारी उनकी बात है। हम लोग तो जो संविधान हक अधिकार देता है उसके पक्ष में रहेंगे हमेशा। मेट्रो का सुना के खत्म कर देना बस, और नहीं सुनना कुछ भी। प्रदेश के अंदर 2017 तक एक भी जगह पे मेट्रो नहीं थी, आज लखनऊ में मेट्रो, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो, नोएडा में मेट्रो, कानपुर और आगरा में नए मेट्रो के काम प्रारंभ हो चुके हैं। प्रदेश बंद कर, एक मेट्रो बताना भूल गए, वो मैं बता दूं, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली, वो पूरे नोएडा के बजट से बनी थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी, समाजवादी सरकार ने बनाई थी, सबसे महत्वपूर्ण लिंक। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वो पहले जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन लगेगी, उसके बाद वो लगवाएंगे, और कई लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि पहले पीएम और सीएम बाकी सारे लोग निकाल लो। आपकी क्या राय है? मैं चाहता हूं कि पूरे गरीबों को कब लग जाएगी वैक्सीन, ये हम जानना चाहते हैं, और गरीबों को फ्री लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने शुरुआत कर दी है, सुन रहा हूँ मैं कि ड्राई रन शुरू कर दिया है, ड्राई डे की भाषा तो समझ में आती है, ड्राई रन भी शुरू हुआ है, और ड्राई रन गरीबों के लिए हो रहा है कि किसी और के लिए हो रहा है? सरकार केवल इतना बता दे कि उत्तर प्रदेश के गरीबों को कब वैक्सीन लग जाएगी और फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी। अब मैंने किसी भी एक्सपर्ट साइंटिस्ट या इतने रिसर्च करने वालों पे किसी पे सवाल नहीं उठाया, और ना समाजवादी पार्टी का कोई सवाल उठा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीजों में अगर कहीं शक या कोई चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में फ्लडेड है मैसेजेस, वर्ल्ड ओवर जो न्यूज आर्टिकल्स निकल रहे, अगर आप चाहें तो मैं प्ले कर सकता हूं, और डिफरेंट डिफरेंट न्यूज पेपर्स उन पर बहस कर रहे हैं, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने राय दी है अपनी, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार सामने आए उन बातों को दूर करे। और हमारा ये मानना है कि सरकार ये बताए कि गरीबों को वैक्सीन कब तक लग जाएगी और क्या फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी। और सरकार के पास चार्ट क्या है? मान लीजिए दुनिया में दूसरे मुल्क हैं, उन्होंने कहा कि पहले ये लगेंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा, 80 इयर्स के लोग हैं, फिर 70 इयर्स के हैं, 60 इयर्स हैं, तो प्लान क्या है सरकार का? तो हम तो चाहेंगे कि पहले प्रेस को लगे, तो सब जानकारी मिले, क्योंकि आप कितना फेस किए हो, मतलब ये सीरियस बात कह रहा हूं मैं आपसे, कि आप लोग उस दौरान जब कोविड था उस समय भी आपने जोखिम उठा करके कवरेज की है, और आप में से कुछ लोगों की जान चली गई जो बहुत कम उम्र के थे, समाजवादी सरकार होती तो उस परिवार की पूरी मदद करती, और आप इस बात को जानते हैं, और न जाने कितनों के परिवारों की जान चली गई, थोड़ी बहुत हम मदद कर सकते थे, की हमने कुछ लोगों की, लेकिन हमारी भी मदद की एक सीमा है, हम उससे बाहर थोड़ी मदद कर सकते हैं, तो इसलिए तो हम चाहेंगे अगर सरकार उत्तर प्रदेश की तय करे तो सबसे पहले प्रेस की करे।